और जो तिथि घोषित होगी उस तिथि पर वैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करवाने की व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधान में ये भी प्रावधान है कि आधे राज्यों का यदि चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की कार्रवाई संपन्न की जा सकती है। 18 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, हरियाणा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लक्षद्वीप, मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा नगर हवेली में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधान की धारा 18 का खंड 1 और उसका क भाग और ख भाग में आने वाले उसमें जो लोग आते हैं उनकी भी जानकारी आपको दे दूं। 18(1) क में राज्यों के द्वारा जो राज्य परिषद की बैठक होती है और जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य परिषद के सदस्य मिलकर के उस राज्य से जो विधान लोकसभा क्षेत्र हैं उतनी संख्या में राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुनकर के भेजते हैं और उस राज्य में संसदीय क्षेत्र से या राज्यसभा से सांसदों की संख्या है जितनी, उसका 10% वो भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य माने जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटर होते हैं। इसके साथ ही साथ धारा 16 में भी प्रावधान है। धारा 16 खंड 1 के भाग क, ख और ग में जो लोग आते हैं वो भी वोटर होते हैं। क में प्रदेश परिषद के विधानसभा वाइज जो एक एक सदस्य चुने जाते हैं वो आते हैं। ख में उस राज्य में जितने सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के उसके 10% सदस्य होते हैं और विधायक दल के 10%। इस प्रकार से ये निर्वाचक मंडल होता है। और मैंने जो आपको नामों की संख्या बताई है वो उसके आधार पर बताई है, निर्धारित समयावधि में ही हुआ है। इस बार भी निर्धारित समयावधि में ही ये चुनाव हो रहा है। आपको मैं पिछले समय जो चुनाव हुआ था उसकी तिथि याद दिलाना चाहूँगा। 9 फरवरी 2010 को चुनाव हुए थे और अब हम 23 जनवरी 2013 में कर रहे हैं, अर्थात ये समयावधि के अंदर ही चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रति 3 वर्ष में जो कुल मेंबरशिप होती है उसमें 6 साल के लिए मेंबरशिप होती है, पर जब 6 साल के बाद 3 साल बाद ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो 20% सदस्यता में वृद्धि करने का भी प्रावधान है।